ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा माँ काली का एक ऐसा मंत्र जो कि आपको किसी भी विपत्ति से निकाल सकता है। एक ऐसा मंत्र जो कि माँ काली को आप पर प्रसन्न कर देगा। यदि आप चाहते हैं माँ काली के साक्षात दर्शन, तो भी साधना को किया जा सकता है। और यदि कोई ऐसा कार्य हो जो कि असंभव लगता हो, लेकिन उसको पूरा करना अनिवार्य हो और इस असंभव कार्य को करने में माँ भगवती आपका पूरा साथ देंगी। ये काली विद्या का एक प्रयोग है और ये सात्विक नहीं होगा, लेकिन जब जान पर बनी आए तो कुछ भी किया जा सकता है। अपने देह की रक्षा के लिए, अपने शत्रुओं के निवारण के लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। ये गुप्त साधना एक ऐसा कवच आपके आसपास बना देगी जिससे कि कोई भेद नहीं पाएगा। बैरी चाहे लाख प्रयास करे तो भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। माँ काली की ऐसी सुरक्षा जो कि नग्न आंखों से देख पाना असंभव है, इसे कुछ गिने चुने लोग ही तोड़ सकते हैं। एक ऐसा कवच मैं आपको दूंगा जो कि चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा में लग जाएगा। कोई भी वैरी चाहे मारण करे चाहे उच्चाटन करे, इस कवच को भेद नहीं पाएगा। माँ काली की एक ऐसी सुरक्षा जो कि किसी के भी द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती। और ये नग्न आंखों से देखने से नहीं दिखती, लेकिन जब भी कोई आपका बुरा करेगा, जब भी कोई आपको हताश करेगा, सताएगा, कुछ ही घंटों में उसको उसका परिणाम मिल जाएगा। माँ भगवती की एक ऐसी कृपा जो कि आपको अपने बच्चे की तरह रखेगी, आपको खिलाएगी पिलाएगी और दुष्टों का संहार करेगी। एक ऐसी कृपा जो कि अनमोल है। माँ काली के अनन्य भक्तों में से आप एक बन जाएंगे। तो इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामान जो है वो एकत्रित करना होगा। तो सबसे पहले आप ये सामग्री जो है एकत्रित कर लें। माँ भगवती की एक प्रतिमा लें, या ब्रास की हो या फिर पीतल की हो, कोई भी ऐसी प्रतिमा लें जो कि खंडित ना हो। अच्छे से देखें, कहीं से वो टूटी फूटी ना हो, कहीं पर भी किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। एक जल का लोटा लें, तांबे का ले लीजिए, एक चाकू ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए काम्या सिंदूर, और बकरे की कलेजी, छह टिकिया कपूर की लीजिए और एक कड़वा पान। कड़वा पान आप अगर पनवाड़ी के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि कड़वा पान बना दीजिए, तो वो पूजा के लिए कड़वा पान बना देंगे। ये सामग्री एकत्रित कीजिए और प्रथम दिन माँ काली की प्रतिमा के आगे धूप दीपक नवेद सब कुछ लगाकर आपको माँ भगवती की पूजा आराधना करनी है। यथासंभव जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, उस समय पर इस मंत्र का 1008 की संख्या में आपको जाप करना है। जाप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना सुरक्षा घेरा बना लें। सुरक्षा घेरा अगर आप नहीं बनाते, तो यदि आप पर कुछ किया कराया है किसी ने, या कोई कर रहा है, तो वो आप पर हावी हो सकता है। सुरक्षा घेरा बनाने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9982416625 पर, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। यदि आप नए साधक हैं तो पहले ये सारे तंत्र मंत्र सीखे और उसके बाद में इस साधना को शुरू कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है यदि आपको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है तो। इसके बाद जो है आपको इस मंत्र का गुम्फन करना है 1008 की संख्या में। माँ काली को गुड़हल के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, तो कैसे भी करके आपको गुड़हल के फूल जुटा लेने हैं
और गुड़हल के फूल को हाथ में रखकर इस मंत्र का 1008 की संख्या में जाप कीजिएगा। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है, काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली, चाबे पान बजावे थाली, जा बैठी पीपल की डाली, भूत प्रेत मढ़ी मसान, जिन्नन को जन्नाद बांध ले जानी, तेरा वार न जाए खाली, चले मंत्र फूरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, देख रहे महाबली तेरे मंत्र का तमाशा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिएगा और उसके बाद जो है अपना जो अनुष्ठान है वो प्रारंभ कीजिएगा। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली, चाबे पान बजावे थाली, जा बैठी पी पलकी डाली, भूत प्रेत मढ़ी मसान, जिन्नन को जन्नाद बांध ले जानी, तेरा वार न जाए खाली, चले मंत्र फूरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, देख रहे महाबली तेरे मंत्र का तमाशा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो आपको पता होगा जो गुरु गोरखनाथ के मंत्र होते हैं ये अत्यधिक प्रचलित हैं अपनी शक्तियों के लिए। तो गुरु गोरखनाथ ने ऐसी ऐसी अनेक गुप्त साधनाएं की हैं जिससे कि देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सके, और शिव का अंश होने के खातिर ये जो हैं जितने भी मंत्र उन्होंने बताए हैं वो सटीक काम करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 40 दिन की ये साधना है, प्रतिदिन एक भी दिन नागा किए बिना एक ही स्थान पर आपको ये पूजा करनी है। और जो मैंने सामग्री आपको बताई है ये सिर्फ पहले दिन लगेगी, ये पहले दिन लगेगी, और उसके बाद जो है सिर्फ आप मूर्त के सामने या किसी फोटो के सामने इस साधना को कर सकते हैं। साधना में जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि 40 दिनों तक आपको बिल्कुल माँ भगवती के साधना में रहना है, किसी भी तरह का व्यभिचार मन में ना आए, किसी भी तरह का कुविचार ना आए, या फिर ये अगर आप किसी दुश्मन के लिए कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी कोर्ट केस आ गया हो, कोई ऐसी समस्या आ गई हो उसके लिए कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। बस आपको सोचना है कि माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप पर इससे बन जाएगी। यदि कोई शत्रु परेशान कर रहा हो तो भी आपको उस शत्रु के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ माँ भगवती की कृपा दृष्टि के बारे में सोचना है कि वो आप पर प्रसन्न हो रही हैं और प्रसन्न होकर आपको वरदान दे रही हैं, सिर्फ ऐसा सोचिएगा। और ये जो 40 दिन है ये आपको भजन कीर्तन में बिताने हैं। ऐसा करते हुए यदि आप ये 40 दिन निकाल देते हैं तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई मेरे साधकों को जो है प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, माँ काली के दर्शन के लिए भी आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मन में जो है सच्ची भक्ति है तो भगवान भी प्रकट होते हैं। यदि सिर्फ आप ये टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। मन में पूरा विश्वास रखिए और दृढ़ संकल्प के साथ इस साधना को कीजिएगा तो आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट्स मिलेंगे। ये अनुभूत उपाय मैंने आपको बताया है जो कि लाखों साधकों ने आजमा कर देखा है, उसके बाद ये प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य है जो कि संभव ना हो रहा हो, जिसको संभव कर पाना नामुमकिन है, चाहे कोई ऐसा रोग हो जो कि ठीक ही ना हो रहा हो, वो भी इससे ठीक किया जा सकता है। सर्वप्रथम डॉक्टर से राय लीजिए यदि वो हाथ खड़े कर दें, उसके बाद इस प्रयोग को कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये लास्ट रिसॉर्ट होता है। ये नहीं है कि जुखाम हुआ और इस मंत्र को करने बैठ गए, ये होता है जब असाध्य रोग हो, जो किसी डॉक्टर की समझ में ही ना आ रहा हो, उस समय पर इस क्रिया को किया जाता है अपनी देह की रक्षा के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी देह की रक्षा के लिए ये सुरक्षा मंत्र है जो कि आप कर सकते हैं। और जो कोई भी वैरी होगा, जो कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह का घातक जो है निगाह रखे हुए है, किसी भी तरह का आप पर अटैक करना चाहता है, उसका निपटारा अपने आप हो जाएगा। एक हफ्ते के भीतर इसका असर आपको दिख जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पहले ही दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो
माँ काली की साधना में लगे रहिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, तो जितने भी आपके विकार हैं सब दूर हो जाएंगे और माँ भगवती युगों युगों तक आपकी जो है रक्षा करती रहेंगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9999841625 पर, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।